प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक सीक्रेट खेल का खुलासा हुआ है। 2024 में मोदी को हराने वाला एक प्लान बना। इस प्लान के तहत चार तरीकों से मोदी पर हमला करने की रणनीति बनी है। मोदी को उन पॉइंट्स पर घेरा जा रहा है जो प्रधानमंत्री का सबसे मजबूत पक्ष है, यानी जहां मोदी को टक्कर नहीं दी जा सकती। विरोधी अब वहीं पर मोदी को टारगेट कर रहे हैं। मोदी पर यह हमला शुरू हो चुका है। अविश्वास प्रस्ताव इस हमले का स्टेज बना है, जिसमें मणिपुर वाली स्क्रिप्ट थी और इस स्क्रिप्ट को लिखने वाली कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी है। मोदी को देशद्रोही, ट्रेटर, हत्यारा, मर्डर राहुल ने यूं ही नहीं कहा। ये सारे डायलॉग मोदी पर हमले के अलग अलग स्टेज को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं। मोदी पर टारगेटेड अटैक के बाकी स्टेज कौन कौन से हैं? राहुल किन चार हथियारों से मोदी पर अगला प्रहार करने वाले हैं और विरोधियों के अटैक का काउंटर अटैक मोदी कैसे करने वाले हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। मोदी की तुलना राहुल रावण से क्यों कर रहे हैं, आज पता चलेगा। मोदी को राहुल देशद्रोही क्यों बोल रहे हैं, आज पता चलेगा। मोदी के लिए राहुल भारत माता के हत्यारे वाले बोल क्यों बोल रहे हैं, आज पता चलेगा। राहुल ये क्यों कह रहे हैं मोदी ने देश को जला दिया, आज पता चलेगा। मोदी ने देश में केरोसीन छिड़क दी, राहुल ऐसी भड़काऊ स्पीच क्यों दे रहे हैं, आज सब पता चलेगा। राहुल अचानक से मणिपुर चीन का टेप ऑन करके क्यों बैठ गए, आज चौंकाने वाला खुलासा होगा। मोदी के खिलाफ ये सिर्फ राहुल के 43 शब्द नहीं है, इन 43 शब्दों में राहुल की 2024 वाली स्ट्रेटेजी है। कुछ शब्दों पर गौर कीजिए। केरोसिन, आग लगा दी, जल रहा है, जलाने में लगे हैं, रखवाले नहीं हत्यारे हैं। राहुल की टाइमलाइन पर ये शब्द यूं ही नहीं आए। मोदी को देशद्रोही डिक्लेयर करने के पीछे राहुल और राहुल की टीम का एक सोचा समझा प्लान है। विरोधियों का ये सीक्रेट प्लान अब लीक हो चुका है, मोदी को सब पता है। हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास को भी हराया। देश भर में नेगेटिविटी फैलाने का जो एक सिलसिला चला है, उसका भी करारा जवाब दिया। विपक्ष के लोग बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए। वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। मोदी कह रहे हैं विरोधी भागे भागे डरे सहमे फिर रहे हैं, लेकिन विरोधी अभी से एक दूसरे प्लान पर काम शुरू कर चुके हैं। 2024 के लिए कांग्रेस का क्या है ये सीक्रेट प्लान? क्या है वो चार हथियार जिससे होगा मोदी पर सबसे तीखा प्रहार? 24 में मोदी को हटाने और राहुल को लाने की कांग्रेस वाली 4-पॉइंट स्ट्रेटजी क्या है? बीजेपी कह रही है मोदी के दहाड़ते ही राहुल भाग जाते हैं। मोदी के शोर के बीच राहुल का भागने वाला पोस्टर भी बीजेपी वाले घुमा रहे हैं। बीजेपी की टीम ये तक कह रही है कि मोदी राहुल में कोई तुलना ही नहीं है, मोदी तो बब्बर शेर है। आज भी राहुल गांधी क्या क्या बोला है, तो आई थिंक ही हैज लॉस्ट द मिस्टर राहुल गांधी हैज लॉस्ट द मेंटल बैलेंस। राहुल गांधी क्या बोले राहुल गांधी कल फिर कहा कि भारत माता की हत्या हो रही है। तो राहुल गांधी ना देश समझते हैं, न देश की राजनीति समझते हैं, और राहुल गांधी की पूरी सोच में लोकतांत्रिक सोच है ही नहीं। राहुल गांधी कृपा करके भारत माता की हत्या की बात अब मत करें। राहुल गांधी ऐसी शर्मिंदगी भरी गैर जिम्मेदार भाषा का प्रयोग न करें आप। जबकि दूसरी ओर कांग्रेस क्लेम कर रही है कि मोदी चित राहुल ही सुपरहिट, राहुल शेर मोदी कायर। कांग्रेस वाले ये स्क्रिप्ट लेकर घूम रहे हैं। राहुल तो अनस्टॉपेबल है, मोदी से कहीं आगे है, कांग्रेस ऐसे ऐसे दावे कर रही है। राहुल नंबर वन, मोदी नंबर टू, अलग अलग नंबर्स दिखाकर कांग्रेस मोदी वर्सेस राहुल की पिच रेडी कर रही है। कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को टास्क अभी से सौंप दिया गया है। कैमरे पर आओ, मोदी के खिलाफ माहौल बनाओ। हर 2 मिनट में
मोदी के खिलाफ एक नया एजेंडा चलाओ, ये किस प्लान का हिस्सा है आगे बताएंगे, पहले इनकी बातें सुनिए। देश की प्रधानमंत्री को सदन में लाने के लिए मजबूर किए गए हिंदुस्तान की संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ। लेकिन इंडिया नाम में आपका आपत्ति क्यों है? अभी इंडिया और भारत में मोदी जी चुनाव लड़ेंगे। जो आदमी घमंडी खुद है उसको हर चीज में घमंड दिखता है, उसका अहंकार सर पे चढ़कर बोल रहा है। और ये आखिरी साल है इस सरकार का, जितना घमंड दिखा सकते हैं दिखा दें, कम से कम इंडिया को गाली न दें, बस उनसे यही अनुरोध है। हालात बन गए हैं मोदी जी के राज में, तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, लोकतंत्र खतरे में है, पार्टी में फूट है, इनकी पार्टी में वो रेस्पेक्ट खत्म हो रहा है मोदी जी का खुद का। ये चिंता की वजह होने से मोदी जी खुद के लिए, आज जो पहले रेस्पेक्ट था पब्लिक में वो तो कम हुआ ही हुआ है, मोदी जी का रेस्पेक्ट जो है उसके साथ में इनकी पार्टी में कम हो रहा है। दोस्तों, जब खोपड़ी गर्म होता है तब कहीं जाके झोपड़ी जलता है। ये इस प्रकार से सबके दिमाग को गर्म करना चाहते हैं, सबके अंदर में नफरत भरना चाहते हैं। प्रधानमंत्री पर ये टारगेटेड अटैक क्यों हो रहे हैं? राहुल के लिए देशभक्त, मोदी के लिए देशद्रोही जैसे शब्द क्यों कॉइन किए जा रहे हैं? इसके सबूत चौंकाने वाले। कांग्रेस के इकोसिस्टम का सिंगल पॉइंट एजेंडा ही यही है, मोदी की इमेज को नुकसान पहुंचाओ, मोदी के खिलाफ काफी पर्सनल हो जाओ। जो मोदी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उन्हीं पॉइंट्स को निशाना बनाओ। अब आप पूछेंगे मोदी के वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, पहले ये समझिए। नंबर वन, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के पैमाने पर मोदी ने 9 साल में देश को डिसाइसिव लीडरशिप दी है। नंबर टू, नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद मोदी के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से एक है। नंबर थ्री, मोदी की इमेज जो ना सिर्फ मजबूत है बल्कि मोदी को एक डिसाइसिव लीडर यानी निर्णायक कदम उठाने वाला प्रधानमंत्री बनाती है। और नंबर फोर, मोदी जमीन से जुड़े नेता हैं, वो लोगों की फिक्र करते हैं, काफी संवेदनशील हैं। कांग्रेस अपने नए प्लान के मुताबिक मोदी के इन्हीं चारों स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को डेंट लगाने वाले मिशन पर काम कर रही है, और वो कैसे हो रहा है अब ये देखिए। एक सर्वे के मुताबिक 42% लोगों की राय ये थी कि भारत की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए बेस्ट सूटेड प्राइम मिनिस्टर मोदी ही हैं। यूएस बेस्ड स्टिम्सन थिंक टैंक के एक सर्वे में सवाल था कि अगर भारत चीन और पाकिस्तान से युद्ध लड़ता है तो भारत उस युद्ध में किसको हरा सकता है। इसके जवाब में करीब 70% लोगों की राय ये थी कि भारत दोनों ही दुश्मन देशों को हरा सकता है। मोदी सरकार के 9 साल में इसका ट्रेलर पूरे देश ने देखा है। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर गलवान में चीन को सबक सिखाने तक, नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन से लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने तक मोदी ने मजबूत नेतृत्व दिखाया। अमेरिकी थिंक टैंक स्टिम्सन ने मोदी के भारत में कॉन्फिडेंस और राष्ट्रवाद पर जो आर्टिकल छापा, अब उसकी शुरुआती लाइन गौर से पढ़िए। पहली लाइन में ही लिखा है, नो साइंस ऑफ इरोजन ऑफ मोदीज डोमेस्टिक पॉलिटिकल सपोर्ट, यानी मोदी के घरेलू राजनीतिक समर्थन में कमी का कोई संकेत नहीं है। और ये बात भारत में बैठे मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन भी जानते हैं, इसीलिए राहुल ने अपनी टीम के साथ मिलकर इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बहाने मोदी के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। मणिपुर, मणिपुर का शोर सड़क से लेकर संसद और सोशल मीडिया तक मचाया गया। मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट पर मोदी की आधे घंटे की स्पीच के बावजूद यही झूठ फैलाया कि मोदी ने मणिपुर पर कुछ नहीं बोला, सिर्फ 2 मिनट का बयान देकर मामला रफा दफा किया। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद कांग्रेस की लीडरशिप अब अपने झूठ में फैल गई है। राहुल 2 मिनट बोल रहे हैं, अधीर रंजन 3 मिनट बोल रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से टाइम फिट करके घूम रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। जिस मुद्दे को मेन फोकस करके सारे विपक्षों ने शुरू से गुहार लगाते आ रहे थे, विपक्ष को वो मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ 3 मिनट की वक्त दिया, जब उनकी भाषा नहीं
दो घंटे मान लो सवा दो घंटे तक चली और सारे विपक्ष को की जो मेन मुद्दा थी उसमें उन्होंने सिर्फ 3 मिनट समय बिताया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।